आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से आज तीसरी बार किया नामांकन, चार प्रस्तावकों के साथ फाइल किया नॉमिनेशन, कहा काशी से मेरा रिश्ता माँ बेटे जैसा। दिल्ली के कई नामी अस्पतालों के साथ तिहाड़ जेल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस के पास आया फोन, दिल्ली अग्निशमन सेवा की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अनुमान, 300 सीटें जीत सकती है बीजेपी, नहीं आएगी 400 सीटें, पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में वापसी की जताई संभावना। आपने कबूली स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात, सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा यह एक निंदनीय घटना, विभव पर सख्त एक्शन लेंगे केजरीवाल। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, ईडी ने जमानत का किया विरोध, कहा शराब घोटाला मामले में आपको भी बनाया जाएगा आरोपी, जल्द दायर होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, के कविता की 20 मई तक बढ़ी हिरासत। अग्निवीर योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान, कहा वे मौजूदा अग्निवीर योजना में चाहते हैं बदलाव, पुराने नियमों के तहत ही भर्ती की कही बात। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन केस में मंगलवार को योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला रखा सुरक्षित, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन द्वारा प्रस्तुत माफी पर जताया असंतोष। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, याचिका में उनकी इजाजत के बिना उनका नाम, फोटो, आवाज और शब्द भिड़ू का इस्तेमाल करने पर जताई आपत्ति, रोक लगाने की मांग। मुंबई में घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या हुई 14, वहीं 88 घायलों का राजवाड़ी अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में इनकम टैक्स दफ्तर में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह साफ नहीं, 21 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।